सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में बात करूंगा वैरिकोसिल की। तो एक भाई का कमेंट आया था, तो वो कंफ्यूज थे कि बॉडी की सुनना और मन की या दिमाग की या मन की सुनने में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वैसे बहुत नॉर्मल सी बात है, बट इसमें एक दो भाई काफ़ी कंफ्यूज थे। ठीक है, उन्होंने मैसेज भी करा। तो एक तो टेलीग्राम पे इतने मैसेज आते हैं ना, अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग पर्सनल करते हैं सारे, तो सबको आंसर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। तो इसलिए हो सके तो थोड़े कम ही करा करो। वैसे तो अब मैं कुछ को बोल रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो बॉडी की सुनने में फ़र्क ये है ना, मतलब जैसे बॉडी की सुनना वैरिकोसिल को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो बॉडी की सुनना है, अगर वैरिकोसिल आप ठीक करना चाहते हो। अब बॉडी की सुनना और एक मन की सुनना, ठीक है, देखो मन की सुनना, मन कर रहा है, दिल कर रहा है या दिल रोता है, जैसे आशिक बन जाते हैं जब, तो दिल ये कह रहा है, मन ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है, तो ये तीनों चीज़ें देखी जाए तो तीनों चीज़ें सिमिलर हैं। ठीक है, ये मन, दिमाग और ये दिल। दिल ऐसा नहीं है जैसा शेप में हमें गुब्बारे वाला लाल सा दिखाते हैं वो, ठीक है। दिल का सिस्टम कुछ अलग ही होता है, ठीक है, देख के बंदे डर जाएँ, ऐसा होता है दिल। तो ये एक मतलब भ्रम बना रखा है, कहावत टाइप बना रखा है, ठीक है, कि दिल रो रहा है या वो रो रहा है, तो रो असली में अंदर बैठ के आंसू तो नहीं बहा रहा वो, तो मन कर रहा है, दिल कर रहा है और दिमाग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फ़र्क ये है ना कि बॉडी जब, जैसे हम जिम करते हैं, ठीक है, तो थाइस की जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थाइस जो होती है, ठीक है, घुटनों से ऊपर, ठीक है, तो ऐसे करंट मतलब लगता है जब हम बैठते हैं, ठीक है, या स्टूल के लिए बैठते हैं या जैसे भी, जैसे फ्रॉग जंप मारते हैं टाइप, तो बैठा नहीं जाता, ठीक है, ऐसे टूट रही होती हैं वो, ठीक है, थाइस, तो वो बॉडी एक हमारी मना कर रही होती है कि ना बैठो। ठीक है, वो होता है, बॉडी कह रही है हमारी। ठीक है, अब जैसे रनिंग के अंदर हम, रनिंग नॉर्मल बंदा भाग रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है, उसकी पावर पूरी लग चुकी है, फिर वो स्प्रिंट मारेगा, ठीक है, एकदम से पूरी पावर से भागेगा जितना भी वो भाग रहा है, ठीक है, 200 मीटर, 100 मीटर, तो स्प्रिंट के बाद जो वो थकेगा, और तो जब उसकी मतलब आखिरी सांस तक उखड़ जाएगी, तब उसकी बॉडी कहेगी कि मतलब रुकने की ज़रूरत है ना, तो वो चीज़ होती है कि बॉडी कह रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बॉडी कह रही है कि मतलब हम मन करता है ना कि सामने पिज़्ज़ा पड़ा है या कुछ पड़ा है तो वो खाने का मन कर रहा है, तो वो चीज़ एक पसंद होती है। ठीक है, एक मन होता है, वो उसको मन कहते हैं जो हम बचपन से, ठीक है, दिल कर रहा है, मन कर रहा है। ठीक है, दिमाग तो चलो एक अलग हो गया, ठीक है, बट दिल वैसे सिमिलर ही हैं तीनों ये चीज़ें। ठीक है, तो दिल जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, आपकी बॉडी की सुननी है आपको, ठीक है, दिल की मत सुनो। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो गए हो और बिल्कुल भी कुछ एक भी बूंद बाहर का नहीं खा रहे, ठीक है, और आप बिल्कुल हार्ड से चल रहे हो, बट आप नेगेटिव लेके ही चल रहे हो, ठीक है, आपका माइंड कह रहा है कि ये ठीक नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक, तो बॉडी उस पर वर्क उस तरह करेगी नहीं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, अब जब बॉडी का वेट जब ज़्यादा घट जाता है, ठीक है, फैट लॉस हो जाता है, तब एक तो जब मेरे मतलब फैट लॉस काफ़ी हो गया था, ठीक है, तो मैं जब खाना वाना खाता था, ठीक है, ज़्यादा मैं खाने लग गया था जब डाइट छोड़ी थी, तो मैं बॉडी को देख के खाता था कि हाँ टेंशन हो रही है, ठीक है, ये जल्दी से मतलब बनाना शेक ले रहा हूँ या कुछ भी खा रहा हूँ तो जल्दी से ये फूल जाए, मतलब बॉडी ना फैट आ जाए, तो ऐसे उससे कभी नहीं आता, ठीक है, फैट जितना टेंशन लेगी बॉडी, बंदा पहले ही टेंशन में होकर देखता हुआ खा रहा है उसे, तो वो बॉडी कैसे उसको पचाएगी, ठीक है, एक तरह से, तो बॉडी काम में उसे तभी लेगी ना जब बंदा खुश होएगा या उसके बारे में सोचेगा, ठीक है। फिर मैंने टेंशन उन्शन छोड़ दी थी, मैंने कहा चलो वेट गेन करते हैं, नॉर्मल चलते हैं एक्टिविटी पे, तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पता नहीं लगा था वेट गेन हो गया था। अब वॉक आप कर रहे हो, ठीक है, वॉक एक लिमिट हो गई है ख़त्म, और पैर आपके दर्द हो रहे हैं या काफ मसल्स दर्द हो रहे हैं, ठीक है, या थाइस दर्द हो रही है, या बॉडी ये कह रही है कि अब और मुझे नहीं करनी, ठीक है, बॉडी कह रही है, मन नहीं कह रहा, ठीक है, तो आप मतलब उस टाइम छोड़ दोगे वॉक। अगर आपको ये लग रहा है कि मन कह रहा है हाँ पर बॉडी टूट गई है, अगला कदम नहीं रखा जा रहा, पर मन कर रहा है कि बहुत ज़्यादा चलूँ, तो वो फिजूल है, फिर वो चीज़ नुकसान देगी, ठीक है, क्योंकि वेंस एक लिमिट तक ही सह पाती हैं, ठीक है, उसके बाद जब उसका मतलब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बॉडी थक जाती है, तो एक चीज़ नॉर्मल सी है, जब बॉडी को हम ज़बरदस्ती चला रहे हैं तो वेंस तो फिर पहले से ही डैमेज है, वो कैसे बेचारी चलेंगी, तो वो डबल सूझती हैं। ठीक है, मैं बाहर था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, बाहर से ही शोर आ रहा होगा, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो और एक भाई का कमेंट ये था कि वेंस ना पोजीशन बदल रही है, ठीक है, कभी ज़्यादा सूझ रही हैं, कभी कम सूझ रही हैं, कभी गायब हो रही हैं, ठीक है, तो वो चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वेंस एक ही पोजीशन में रह के ठीक होंगी तो वो गलत है। ठीक है, वेंस 50 बार अपनी शेप बदलेंगी। ठीक है, कभी वो ऐसे हो जाएंगी कि बस आपके हो गए 4th ग्रेड पे आ गई, कभी ऐसे हो जाएगी कि वो 1st ग्रेड पे आ गई। ठीक है, कभी वो माइल्ड हो जाएगी, कभी वो ख़त्म हो जाएगी,
तो ये चीज़ बड़ी बेकार है यार, ये इस चीज़ की आज तक समझ ही नहीं पाया मैं तो, कि ऐसा होता क्यों, सिस्टम इतना तगड़ा वाला ना, कि हर बार हर मतलब हर 4-5 घंटे में आप चेक करते हो तो वेंस की सिस्टम कुछ अलग रहता है, ठीक है। और जो हाथ लगाने का कीड़ा होता है हमारे अंदर, ये टॉयलेट जब भी जा रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं वेंस कहाँ पहुँची, कितना ठीक हुए, तो उस चीज़ से थोड़ा आज़ाद हो, ठीक है। नॉर्मल लाइफ पे थोड़ा रहो, इतना भी ना चलो कि रोबोट बन जाओ चिट्टी आप, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और टेलीग्राम पे इतने मैसेज ना करो, ठीक है। तो करो मतलब, पर थोड़ा यार इतने सारों का हो नहीं पाता आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होगे, ठीक है। तो शोर ज़्यादा आ रहा है यहाँ, जहाँ जुड़ते रहते हैं। तो बॉडी के सुनने का मतलब है कि आपकी बॉडी में जान नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए। और दिल कर रहा है हमारा चाउमीन खाने का या बर्गर खाने का, तो वो दिल कर रहा है, ठीक है। बॉडी नहीं कह रही आपकी खाओ, ठीक है। अब एक चीज़ होती है ना, कभी जब बहुत ज़्यादा मतलब हम बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे रूखी रोटी भी मस्त लगती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर जब पेट भरा होता है या वैसे होता है, तो मतलब अगर आपके आगे कुछ भी रखा है खाना, नॉर्मल खाना, तो बंदे का वो मन नहीं करता एक तरह से, फिर पिज़्ज़ा लाओ तो वो खा लेगा वो। तो वो चीज़ है कि वो जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, तब वो एक रोटी भी मस्त लगती है बहुत, पिज़्ज़ा से ही बढ़िया। तो वैसे सुननी है, बॉडी की सुननी है, ठीक है, बॉडी की सुनो और चलो, ठीक है। और रेस्ट जितना लोगे बढ़िया है, वॉक करोगे तो बढ़िया है, ठीक है। वॉक के बिना मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है, रेस्ट से तो आएगी आएगी, बट वॉक के बिना मतलब वेन सीधी नहीं होगी, तो जिगजैग है, ठीक है। और वॉक बहुत ज़रूरी है, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। वॉक के बाद आके लेग्स ऊपर करके लेटना है, ठीक है। तो बता दिया फिर मैंने दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।